दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? अच्छा तो ठीक होंगे। देखिए हमारा ये मनजीत मॉडल का 1 HP का कंप्रेसर है, 1 HP का कंप्रेसर है। इसकी सर्विस करने आए थे हम आज। बहुत पुराना मॉडल है, करीब करीब 22-23 साल पुराना कंप्रेसर है ये। ओके चल रहा है ये बिल्कुल। इसका एक तो हमने देखो फिल्टर बदला, ये एक इसका ये चेक वाल खराब था, चेक वाल बदला है। चेक वाल इसलिए बदला है क्योंकि ये मोटर 15 दिन में 2 बार मोटर सूख चुका था, क्योंकि ये चेक वाल बैक मारने के चक्कर में मोटर पर लोड पड़ रहा था, तो मोटर सूख रही थी बार बार। बाकी तेल डाला है इसका हमने। अभी हम इसको हवा भर के चेक कर रहे हैं, चेक वाल काम कर रहा नहीं कर रहा। ऐसे चल रहा था, ये हवा नहीं बना पा रहा था। इसका हेड चेक करा तो हेड बहुत जाम था इसका। इसका हेड खोला हमने, सफाई करी इसकी। तो इसके बाल देख लिए, बिल्कुल बाल ख़राब हो रहे हैं, अभी चौक हो गए बिल्कुल। दोनों बाल चेंज होंगे इसके, डिलीवरी और सेक्शन दोनों बाल चेंज होंगे। इसके पिलग हैं, पिलग साफ करेंगे। अभी हमने इसको पानी से ठंडा करवाया, गर्म थे बाल। देखिए इसका ये हेड है, ये साफ करा हमने। अब इसको तारपीन के तेल से धोएंगे इसको। देखिए हमने इसको थिनर से धो दिया है, मिट्टी के तेल से। देखिए अंदर से साफ हो गए। देखिए इसमें नई बाल लगा रहे हम दोनों, ये सेक्शन, ये वाला सेक्शन का, ये डिलीवरी का है। दोनों बाल नहीं लग रहे इसके। और प्लग में हमने टेफ्लॉन टेप लगा दिए, और इसका हमने गैसकेट बनाया नया। इसको हम हेड को लगा के चेक करेंगे दोबारा से। देखिए हमने इसके बाल लगा के हेड लगा दिया है,
और इसको चेक कर रहे हैं, इसकी आवाज़ चेक कर रहे हैं। हमने इसके बाल चेंज करे हैं लेकिन ये फिर भी हवा नहीं बना पा रहा पूरी, तो अब हम इसका सिलेंडर खोल के इसके रिंग चेंज करेंगे। शायद इसके रिंग में प्रॉब्लम है, ये लोड नहीं ले पा रहा पूरा, हवा बना ही नहीं रहा बिल्कुल भी। रिंग हेड साफ करके बाल नए लगा दिए, दो बार बाल चेंज कर ले कि हो सकता है कि पहले वाले बाल काम ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी दोबारा बाल नए लगाए उसने तब भी काम नहीं कर रहा है, हवा बना ही नहीं रहा। तो अब चलो इसके रिंग बदल के देखते हैं कौन इसके रिंग ये पड़े हुए हैं। चलो खोलते हैं फिर दिखाते हैं आगे की वीडियो आपको। देखिए हमने इसका सिलेंडर निकाल दिया है और इसके रिंग की हालत देखिए, हालत तो खराब ही है। देखिए हमने इसमें रिंग डाले हैं अभी और रिंग डाल कर इसको चला रहे हैं अभी थोड़ी देर रिंग रमा करने के लिए। तेल तो अभी नहीं आ रहा फिलहाल, ये देखिए दिसंबर 2003 की डेट पड़ी हुई है इसमें, बहुत पुराना कंप्रेसर है ये। देखिए इसका नीचे ड्रिंक कुक जो है ना, इसमें एम सील लगा रखे थे इन्होंने, ये भी लीकेज कर रहा है। देख सकते हैं साइड में ये एम सील, मैंने अभी हथौड़ी से मार कर एम सील हटाई है। इसको भी बदल के देख लेते हैं एक बार। ये देखिए दिसंबर 2003 की डेट पड़ी हुई है इसमें, बहुत पुराना कंप्रेसर है ये। देखिए इसका नीचे ड्रिंक कुक जो है ना, इसमें एम सील लगा रखे थे इन्होंने, ये भी लीकेज कर रहा है। देख सकते हैं साइड में एम सी, मैंने अभी हथौड़ी से मार कर एम सी हटाई है। इसको भी बदल के देख लेते हैं एक बार।
जाम हो रहा पूरा ये। चलिए नया बाल लगाते इसमें। देखिए नया टिंकॉक लगा रहे हैं इसमें हम, पानी वाला धागा लगा दिया इसमें। अब नीचे लगाते हैं, लगा के फिर चिखाते हैं आपको हम। ये हमने डिंकॉक लगा दिया इसका। ये दोस्तों इसका ना पुराने वाला हेड खराब हो गया था, कल हम काफ़ी परेशान रह गए। अब इसका पुराना हेड कहीं मार्केट से ढूंढ के लाए हैं, नया हेड लगाया हमने। अब जाके थोड़ी हवा बहन आ रहा है, कल तो ये बिल्कुल भी हवा नहीं बना रहा था, कल पूरा दिन हमारा खराब गया था।
ये दोस्तों इसका ना पुराने वाला हेड खराब हो गया था, कल हम काफी परेशान रहे थे। इसका पुराना हेड कहीं मार्केट से ढूंढ के लाए हैं, नया हेड लगाया हमने। अब जाके थोड़ी हवा बहन आ रहा है, कल तो ये बिल्कुल भी हवा नहीं बना रहा था, कल पूरा दिन हमारा खराब गया था।